नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। मोदी सरनेम केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है। जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि हम सेंशन कोर्ट में अपील लंबित रखते हुए राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा, यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयते, जय हिंद। राहुल गांधी के इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क देते हुए कहा, कुछ शिकायतकर्ता पुर्णेश का मूल सरनेम ही मोदी नहीं है, उनका मूल उपनाम है बुताला, फिर ये मामला कैसे बन सकता है। सिंघवी ने कोर्ट में यह भी बताया कि राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने केस नहीं किया। उन्होंने कहा, ये लोग कहते हैं कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो समस्या सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को ही हो रही है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में राहुल का पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में मानहानि केस की अधिकतमता के जो है सजा वो दे दी गई थी। इसका नतीजा ये होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने 67 दिन का आदेश सुरक्षित रखा। राहुल लोकसभा के 2 सत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं, जिस पर जो है जस्टिस गवाई ने पूछा कि लेकिन ट्रायल जज ने अधिकतम सजा दी है, इसका कारण भी विस्तार से नहीं बताया गया है। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि ऐसे सजा देने में सिर्फ एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रभावित हो रहा है। ट्रायल जज ने लिखा है कि सांसद होने के आधार पर आरोपी को कोई विशेष रियासत नहीं दी जा सकती। आदेश में काफी नसीहत भी दी गई है। गुजरात में इन दिनों काफी दिलचस्प आदेश आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि महेश जेठमलानी ने कहा है कि राफेल केस में भी राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा था। यहां पर साथ ही उनके बाद कोर्ट में यह जवाब दिया गया कि वह चुनावी प्रचार के दौरान उत्तेजनावाशक ऐसा बोल लिए गए, यानी तब भी सीधे गलती मानने की बजाय उस पर तर्क देने की कोशिश की गई थी। आखिरकार कोर्ट की फटकार के बाद उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी थी। राहुल पर आदेश लिखवाते हुए पीठ ने कहा कि राहुल की अपील सेंशन कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। यहां तक दोष सिद्धि पर रोक की बात है। ट्रायल कोर्ट ने राहुल का मानहानि की अधिकतम सजा दी है, लेकिन इसका कोई विशेष कारण नहीं दिया है। 2 साल की सजा के चलते राहुल जनप्रतिनिधित्व कानून के दायरे में आ गए हैं। अगर उनकी सजा कुछ कम होती है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल का बयान अच्छा नहीं था। सार्वजनिक जीवन में बयान देते समय संयम बरतना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले से राहुल के अलावा उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का अधिकार भी प्रभावित हो रहा है, इसलिए हम सेंशन कोर्ट से अपील लंबित रखते हुए राहुल को दोष सिद्ध पर रोक लगा रहे हैं। राहुल गांधी को दी गई यह राहत फौरी राहत है। वहीं आपको बता दें, अगर सेंशन कोर्ट 2 साल की सजा सुनाता है तो यह अयोग्यता फिर से लागू हो जाएगी, लेकिन अगर राहुल गांधी को बरी कर देता है या सजा को घटाकर 2 साल से कम कर देता है तो सदस्यता बहाल रहेगी। निचली अदालत के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर रखी थी कि वायनाड की सीट खाली है। अब इसे वापस लेते हुए एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी कि पुरानी अधिसूचना जारी को वापस लिया जा रहा है। इसमें कितना समय लगेगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसमें 1 दिन भी लग सकता है और 1 महीना भी। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।